जिले के सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ डॉक्टर विजयपति द्विवेदी को सामने देखकर चिकित्सक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर विजयपति द्विवेदी ने रामकिशन राम को बाहर की दवा लिखते रंगे हाथों पकड़ लिया और 5,000 की पेनाल्टी लगाया और कसम खिलाया कि आइंदा से बाहर की दवाइयां नहीं लिखोगे। सीएमओ ने चिकित्सक की फटकार लगाते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर जुर्माना भरने का निर्देश दिया। वहीं बाहर से खरीदकर दवा लाए मासूमपुर बहेरी निवासी बलराम यादव को डॉक्टर रामकिशन राम से दवा का पैसा वापस भी कराया और साथ ही सभी चिकित्सकों को बाहर की दवा और जांच किसी भी परिस्थिति में न लिखने की हिदायत दी और कहा कि हॉस्पिटल की अंदरूनी व्यवस्था को ठीक करना है, अंदर की व्यवस्था सुचारू होने पर बाहरी दुर्व्यवस्था स्वतः ही बंद हो जाएगी। हर की एक भी दवा नहीं लिख रही, यहाँ कसम खाओ पेड़ के नीचे, इधर आओ, कसम खाओ, प्रॉमिस करो तुम बाहर की एक भी दवा नहीं लिखोगे, बाहर की एक भी दवा। पक्का? ठीक, क्या लिखा तुमने? शोषण कर रहे हो तुम लोग, काय को डॉक्टर बने? हॉस्पिटल की दवा के अलावा बाहर की दवा या जांच किसी भी हालात में नहीं लिखी जानी चाहिए। अगर इसकी शिकायत मिलेगी तो संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बलिया सीएमओ ने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में कम से कम 170 प्रकार की दवाइयां हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान बलिया सीएमओ ने पूरे अस्पताल के सभी वार्डो की गहनता से जांच की। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि डिलीवरी वार्ड में जो भी बेड हैं उन पर गद्दा और चादर नहीं था, जिसके बाद मौजूद कर्मचारियों पर फटकार भी लगाई और रात की ड्यूटी में तैनात सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की सूची प्रतिदिन सूचना पट पर अंकित करने का निर्देश दिया और गार्ड को हर रोज रात के 9 बजे सूची को व्हाट्सएप पर भेजने का आदेश दिया। वहीं एक नज़ारा ये भी देखने को मिला, अस्पताल में आए मरीज का जांच स्वयं सीएमओ बलिया ने किया और उन्होंने उन सभी से फीडबैक लिया और पूछा कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। 422 रुपया। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को सीएमओ ने अस्पताल परिसर में सोलर पैनल लगवाने और एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने को कहा। बलिया सीएमओ ने डिजिटल एक्सरे और ईसीजी मशीन तत्काल उपलब्ध कराने की बात की और जांच की जो भी सुविधा है उसे सही ढंग से संचालित करने और कहा कि एक सप्ताह के अंदर ये सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। UP60 न्यूज़ के लिए बलिया से सार्थक राय की रिपोर्ट।